नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भूमिहीन किसान जय सिंह मधुमक्खी पालन से कमा रहा सालाना लाखों रुपए। पत्नी के सोने के गहने और भैंस बेचकर 30 बक्सों के साथ मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। भूमिहीन किसानों के लिए कैथल जिला के गांव नागल का मधुमक्खी पालन किसान जय सिंह बना एक मिसाल। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। आज के दौर में ऐसा दौर आ गया है कि जिसमें किसान मजबूरन अपनी खेती छोड़ करके मजबूर होकर के चाहे वह कोई भी फसल लगाना हो या फिर खेती से संबंधित कोई दूसरी व्यवस्था किसान करता हो, क्योंकि आर्थिक मंदी के दौर में किसान पर भी भारी मंदी का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण किसान खेती बाड़ी छोड़ करके किसी अन्य व्यवसाय में जा रहे हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास ज़मीन भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किसानों के लिए एक मिसाल पैदा की है। ऐसा ही एक किसान है जय सिंह, जो कैथल जिले के नागल गांव का रहने वाला है। जय सिंह ने बताया कि उन्होंने 2011 में मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया था। उन्होंने सोचा था कि वह मधुमक्खी पालन में एक ऐसा नाम कमाएंगे जिससे गांव व जिले का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन होगा, और उन्होंने किया भी ऐसा। अपनी कड़ी मेहनत और कामयाबी के बल पर 16 जुलाई को सर्वश्रेष्ठ मधुमक्खी पालन का पुरस्कार भी केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा उन्हें दिया गया और 50,000 रुपये की राशि उनकी केंद्र सरकार द्वारा दी गई। उन्होंने 30 बक्सों से यह काम शुरू किया था। आज उनके पास लगभग 300 बक्से हैं, जिनमें से सालाना 5 लाख से 6 लाख रुपये का शहद निकलता है। आपको बता दें कि 2011 के समय उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपना काम जब शुरू किया था तो उस समय उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के सोने के गहने बेचे और एक भैंस बेची थी। उसके बाद उन्होंने 30 बक्से खरीदे जिसमें मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया। आज वह पूरे देश भर में नंबर 1 मधुमक्खी पालकों में शुमार है। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी का ऋण वह कभी नहीं उतार पाएगा। उन्होंने अपने सोने के आभूषण बेच करके उन्हें काम शुरू करवाया था। अब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो चुकी है। एक समय था जब उनके पास साइकिल था, लेकिन आज वह मोटरसाइकिल पर चलते हैं और उन्होंने मधुमक्खी पालन से ही अपने 2 बच्चों की शादी की है। लगातार मधुमक्खी पालन से मेहनत करके वह दूसरे किसानों के लिए मिसाल कायम कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वह एक साल में लगभग 10 क्रॉप लेते हैं 300 डब्बों से। वह मौसम व सीजन के अनुसार ही अपने मधुमक्खी के डिब्बों को एक दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं, ताकि उनको पूरा फूल व अन्य तरह के जो भी शहद बनाने के लिए चाहिए वो सामग्री मिल सके। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में मधुमक्खियों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मधुमक्खियों के बक्सों के ऊपर कोई अखबार या अन्य चीज़ें डालनी पड़ती है ताकि उनको ठंड न लगे, क्योंकि ज़्यादा ठंड के कारण मधुमक्खियों के मरने का खतरा बना रहता है। और ऐसी ही स्थिति जून और जुलाई के महीने में होती है, जब ज़्यादा गर्मी होने के कारण मधुमक्खियाँ मरनी शुरू हो जाती है। इसलिए वह आसपास में चीनी और चाशनी का घोल बनाकर रखते हैं, जिसे वह जीवन को चलाती रहती है। लेकिन उसे चीनी की चाशनी से वह शहद नहीं बना सकती, सिर्फ उनके जीवन यापन के लिए वह वहाँ पर रखा जाता है। समय समय के अनुसार वह अपने मधुमक्खियों के डिब्बों में शहद भी लेते हैं। अच्छे मौसम में वह सप्ताह में शायद 2-2 बार शहद ले लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा मौसम भी आता है कि एक महीने में शहद नहीं मिल पाता। उन्होंने बताया कि एक साल में एक डिब्बे से लगभग 30 किलोग्राम शहद उनको मिल जाता है, जो कि लगभग 150 किलोग्राम की दर से बेचते हैं। उन्होंने इतना बड़ा काम, इसके लिए अन्य किसानों तथा भूमिहीन किसानों के लिए भी एक नई दिशा दी है। अगर इस भारी भरकम महंगाई के ज़माने में और किसानों के लिए अगर आय दुगनी करनी है तो वे इस ओर बढ़ सकते हैं। बेरोजगारी के समय में ये एक अच्छा साधन है। आइए देखते हैं कुछ झलकियां। मैं जय सिंह, गांव नागल, जिला कैथल, तहसील सीवन, और एक मधुमक्खी पालक हूँ। मैंने 2011 से मधुमक्खी पालने का काम शुरू कराया था, तो इस ये काम बहुत बढ़िया है। इस काम में अगर इंसान के पास किसी के पास ज़मीन नहीं है तो ये बिना ज़मीन का काम है। इसको कहीं भी सरकारी संस्थान में रख के भी अपना इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो कमाने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी लाइंस हैं, जैसे कि सूअर पालन हो गया, मछली पालन हो गया, और ऑर्गेनिक सिस्टम कहीं भी हो वो बना सकते हैं हम।
लेकिन मैं मुझे मधुमक्खी पालन में अच्छी रुचि है, तो मैं मधुमक्खी पालन में बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कैसे? मेरे पास के पड़ोस के गांव गोरा, जो मधुग्राम का नाम उसको सरकार ने दिया, तो मेरे मन में भी ये इच्छा हुई कि मैं भी अपने गांव को मधुग्राम के नाम से ही पुकार करवाऊंगा। तो मैंने गोरा गांव के सतपाल जी के पास जाकर के उनसे प्रैक्टिकल प्रशिक्षण लिया और कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेकर के ये काम शुरू करा। तो मुझे इस काम में बहुत अच्छी रुचि है। क्या शुरू में? मैंने शुरू में 20 बॉक्स लिए थे, जिसमें मेरी पत्नी की बाड़ियां थी, कुछ गहने वगैरह वो बेच करके, एक दो मेरे पास भैंस थी वो बेच करके मैंने 20 बॉक्स लिए। 20 बॉक्स के बाद कुछ तो अच्छी आमदन हुई, जिसमें मेरे गहने भी हो गए और मक्खियां भी मेरी बच गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने 20 बॉक्स और डाले, कुछ मेरी मक्खियां बढ़ गई थी, इसमें मेरे 60 बॉक्स हो गए। आज 60 बॉक्सों का परिवार मेरे पास, 250 के आसपास बॉक्स हैं। तो इतना किस तरह? ये स्थाई काम नहीं है, एक जगह रहने रख के काम नहीं होता। ये हम चरखी दादरी अलवर जिला रेवाड़ी साइड में, उधर सरसों की फसल ज़्यादा होती है, उधर जा कर के इनको ले जाते हैं और वहाँ काम इनसे हम शहद ले लेते हैं। सरसों की शहद फसल में अच्छा शहद होता है। जहाँ सफेदा चलता है वहाँ सफेदे में ले जाते हैं, सफेदे के फूलों में। जहाँ बेरी चलती है वहाँ बेरी के फूलों में ले जाते हैं। जहाँ सेब है और अखरोट है, बादाम है, हिमाचल साइड में या पहाड़ी एरिया में, हिल एरिया में, उधर ले जाते हैं, उधर से इनसे शहद इकट्ठा करते हैं। तो क्या कितने? ये नवंबर से जून जुलाई तक का इस काम में प्रोसेस है। जो सफेदे से लेकर के हम बरसीन का और पहाड़ी की कट, उस टाइम सीजन होता है जून जुलाई में, वो शहद लेते हैं हम। और निष्कासन में एक मशीन हमारे पास, शहद निष्कासन मशीन है, 4-5 आदमी हो जाते हैं, वो अपने बॉक्स से एक शहद साल निकल। में कितना कमा लेते हो? एक साल में 50 बॉक्स में 2 से 2.5 लाख आदमी रुपये आदमी निकाल लेता है। तो क्या मधुमक्खी पालन? हाँ, ये व्यवसाय बहुत अच्छा है, लेकिन कई कमियां भी आई हुई हैं। जैसे अब की बार मार्केट में नकली शहद भी आया हुआ है, नकली शहद की वजह से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई हुई है। जो हमारा शहद 180 रुपये, 170 रुपये बिकता था, आज वो नकली जो शहद बनाने वाली कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उनकी वजह से हमारे शहद में गिरावट आ गई है, जो 60 से 65 रुपये बिक रहा है। थोड़ी ही दिक्कत तो आ रही है, लेकिन मैं अपना शहद खुद प्रोसेस करवा करके और मैं खुद मार्केटिंग करता हूँ। जो जैसे कि देसी दवाइयों की फैक्ट्रियों में, करनाल में देसी दवाइयों की फैक्ट्री है, पानीपत में देसी दवाइयों की फैक्ट्री है, अम्बाड़ा में है और पटियाला में है, उधर 177 रुपये, 180 रुपये, 192 रुपये, इस हिसाब से मैं अपना शहद उधर भेज देता हूँ। क्या मानते हैं कि ये हजारों प्रकार की बीमारियों में शहद का अच्छा रुझान है। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो शहद की पट्टी कर लेने से तो चोट ठीक हो जाती है। किसी का मान ले मोटापा जाता है नींबू के साथ शहद खाने से, तो मोटापा ठीक हो जाता है। सर्दियों में खांसी के, जुकाम के बच्चों को किसी प्रकार का हो जाता है, और दूध में शहद डालकर पीने से गर्म सर्दी नहीं लगती है। तो शहद के तो फायदे ही फायदे हैं, ऑर्गेनिक सिस्टम में नेचुरल चीज है जी, ये एक अमृत है जी। हाँ जी, मैं ना इसमें साल में मैं 10 क्रॉप ले लेता हूँ, एक बॉक्स से 10 क्रॉप लेता हूँ। तो पहले तो ये 30 से 35 किलो निकल जाता, लेकिन अब 25 से 30 किलो शहद निकलता है सारे साल में एक बॉक्स में। तो इसका 10 क्रॉप में ले लेता हूँ, चरखी दादरी साइड में उधर ले जाता हूँ सर्दियों में, और उसके बाद 15 फरवरी को मैं यहाँ इधर ले आता हूँ। यहाँ हमारे पहाड़ी पहाड़ी कीकर और सफेदा चलता है, और बरसीन का भी यहीं से लेता हूँ, पहाड़ी कीकर का भी यहीं से लेता हूँ। और अगर काम लगन से करे इंसान, तो इसमें तो इंसान कोई भी मेहनत करे, मेहनत तो रंग लेके आएगी जी। तो अभी पिछले 16 जुलाई को मेरे को अब हमारे राष्ट्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी द्वारा
पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार भी दिया गया, जिसमें मेरे को 50,000 की राशि प्रदान की गई। तो मैं तो भारत सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो क्या लगा 40 दिन? नहीं जी, सर्दियों में तो एक हफ्ते में तैयार कर देती हैं शायद। हाँ, एक हफ्ते में सरसों का शायद होता है, तो एक हफ्ते में कर देती हैं तैयारी। और गर्मियों में? गर्मियों में तो अब जैसे अब जून जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, इनमें तो अब ऑफ सीजन होता है, हम इनको चीनी की चाशनी देते हैं जी। चीनी की चाशनी में फिर इनको शायद नहीं देते, बनाना पड़ता ऐसी चाशनी देते हैं जितना कभी ये जीवित रह सके, उससे ज़्यादा हम देते नहीं इनको। डबल जी, हाँ जी, मैं आज इज्जतदार हूँ, परमात्मा की मेरे को दया मेहर हो गई है। तो ये एक भूमिहीन किसान ही इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है और इसमें अच्छी आमदनी ले सकता है, अपने परिवार का शुक्रगुजार कर लेता है। मैंने इसी काम, मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था, मैंने इसी काम से मेरी लड़की की शादी की, लड़के की भी शादी की, अच्छे मकान भी अच्छा बनाया है। तो मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास साइकिल था, मेरे पास बाइक भी है, यानी कुल मिला के मेरे पास बहुत अच्छा वो चल रहा है। लेकिन थोड़ा एक प्रॉब्लम है, शहद की कीमत बहुत कम हो गई है। शहद की कीमत 60 से 65 ले रहे हैं, जबकि हमारा लागत मूल्य 100 रुपये है। तो सरकार से यही गुजार करूँगा भी, जो नकली आ रही है ना, जो नकली फैक्ट्रियाँ हैं इनको बंद करे, जो नकली मिलावट है उसको बंद करे। मिलावट वाला शहद तो 100 के 1 किलो के साथ 1 किलो फ्री दे देते हैं, हमारा शुद्ध शहद है कोई 50-60 रुपये में ले, बहुत मुश्किल से लेते क्या हैं आप? हाँ जी, इसमें मेरी पत्नी ने अपने जेवर दिए और एक उसने अपनी अपने हमारे पास भैंस थी, उस भैंस को बेच दिया। तो मैं अपनी पत्नी का तो देन ही नहीं दे सकता, उन्होंने मेरा कठिन समय में बहुत अच्छा काम साथ दिया जी, मैं उनका जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। तो क्या ये ना एक मेरा बेटा है बड़े वाला, एक छोटा वो BCOM कर रहा है, बड़े वाला बेटा मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता है, वो मेरे साथ शहद निष्कासन में भी और माइग्रेशन में भी जहाँ हम लेके जाते हैं उसमें भी मेरा साथ देता है। तो आज हाँ, जितने भी आज के युवा हैं मेरे मित्रों, मैं तो ये कहूँगा भाई ज़्यादा नौकरियों के पीछे ना घूम करके अपना समय ज़्यादा अपने काम में लगाएं, जो भी हम अपने हाथ से कर सकें उसी काम को करें। जिस तरह कि मैंने अपना नौकरी की तरफ ना भाग करके अपना मधुमक्खी काम शुरू किया, तो आप भी कोई सूअर पालन का काम कर सकते हैं, मछली पालन का कर सकते हैं। मैं नहीं कहता भी आप मधुमक्खी का ही करो, तो सूअर पालन का भी कर सकते हो, मछली पालन का भी कर सकते हो, मुर्गी पालन का भी कर सकते हो, पशु पालन का भी कर सकते हो, डेयरी फार्म का, किसी तरह का भी कर सकते हो। लेकिन आप अगर आप खुद अपना काम करोगे तो उसमें फायदा ही फायदा है, अपने घर में रह के करोगे, अपने परिवार में रह के करोगे। ठीक।